विदेशी नंबरों से कॉल कर फैला रहे G20 बैठक रद्द होने की अफवाह। पुलिस ने जनता से की ये अपील। इन दिनों साइबर क्राइम के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल और विदेश से आने वाली कॉल के जरिए लोगों के साथ ठगी की जा रही है। जहां देश के अन्य राज्यों में ठगी की जा रही है, तो वहीं जम्मू कश्मीर में विदेशी नंबरों से कॉल करके अफवाह फैलाई जा रही है। जम्मू कश्मीर में G20 बैठक रद्द होने की अफवाह विदेशी नंबर से आ रही कॉल के जरिए फैलाई जा रही है। जम्मू कश्मीर ने लोगों से विदेश से आने वाले फोन कॉल का जवाब नहीं देने के लिए कहा है। दरअसल बीते कुछ दिनों से लोगों को +447520693559, +447418343648 और +447520693134 फोन नंबरों से कॉल आ रही है। फोन करने वाला व्यक्ति अफवाह फैलाकर लोगों में भ्रम पैदा करने का काम कर रहा है। इन फोन नंबर से कॉल करने वाले व्यक्ति जम्मू कश्मीर के लोगों को G20 बैठक रद्द होने की अफवाह फैला रहा है। बीते दो दिन से कई लोगों ने पुलिस से इन फोन नंबर से कॉल आने की शिकायत दर्ज करवाई है। संदिग्ध फोन नंबरों से आ रही कॉल। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार कुछ देश विरोधी ताकतें संदिग्ध फोन नंबरों से कॉल कर लोगों को भ्रमित करने और देश विरोधी संदेश फैलाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए सतर्क रहने की जरूरत है। यदि फोन कॉल को लेकर किसी भी व्यक्ति की शिकायत है, तो वे साइबर पुलिस थाने में या फिर किसी भी पुलिस थाने एवं चौकी में जाकर शिकायत कर सकता है। शुरू होने वाली है G20 की बैठक। गौरतलब है कि कश्मीर में जल्द ही G20 की बैठक शुरू होने वाली है। इसको लेकर भारत के दुश्मन देशों में खलबली मची हुई है और वे इस बैठक में खलल डालने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। G20 की बैठक को लेकर घाटी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इसके साथ ही सेना और सुरक्षा बल लगातार घाटी में पहरा दे रहे हैं।